सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू सो मच और यू मोटिवेट आर सो मच सर मैं जब भी मतलब अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होती है तो यूट्यूब पे सबसे पहले ये देखती हूँ कि सर की कुछ ना कुछ वीडियो उस टॉपिक पे पक्का मिलेगी जिससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा आज जो आपने जो कुछ भी बोला है सो मोटिवेटेड ऑफ इट एंड दिस सोसाइटी पीपल गिव यू क्वेश्चन टू आस् लोगों में से किसी एक का क्वेश्चन है सो आई लाइक टू आस्क सर आई ट्राई टू सर आई ट्राई एवरीडे टू स्टडी विद द सेम एंथजियाज्म

मैं भी नहीं पढ़ पाता हूं उतना हम लोग पिटेंड करते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं ईमानदारी की बात है कि मैं आज तक कभी भी एक घंटे से ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाया हूं और मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की है वैसे है ना आप भरोसा कर सकती है इस बात पर एक तो अपने आसपास ऐसे लोगों से बचिए जो बार बार दबाव बनाए कि मैं तो बहुत पढ़ता हूं तो कितना पढ़ती है आप कितने घंटे का टारगेट लेके चल रहे हैं एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है आपकी उम्र में कॉलेज के अलावा अगर आप तीन चार घंटे पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है कॉलेज के तीन साल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है पढ़ाई से ज़्यादा सीखने के सा, साल हैं मंच में आने के साल हैं दोस्तों के साथ फिल्म देखिए दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाइए रेस्टोरेंट में बैठ के खूब बकवास कीजिए उनके साथ उसमें जो सीखेंगे वो केवल पढ़ाई से नहीं सीखेंगे तो दिन में तीन चार घंटे बहुत होते हैं और बाकी मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि बहुत सारी एक्टिविटीज जिसमें से एक एक्टिविटी चाय की दुकान पर दोस्तों साथ बैठना एक घंटे बात करना भी शामिल है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत जरूरी है फिर आप लोगों की उम्र में इमोशंस थोड़े उठापटक होती रहती है अगर आप महीने के तीस दिन में से 6 सात दिन बीच में नहीं पढ़ पाते डिस्टर्बेंस से तो इसका मतलब है कि आप दिमागी तौर पर एकदम ठीक हैं चिंता उनकी है कि जो रोज पढ़ रहे हैं इसका मतलब इसका मतलब वो अपनी उम्र में जी नहीं रहे वो किसी और उम्र में जी रहे तो ठीक है कभी कभी डिस्टर्बेंस आएगी उसको एंजॉय कीजिए डिस्टर्बेंस बस सुंदर प्यारी होनी चाहिए इतना ध्यान रखिए है, है ना जिसकी वजह से नींद उड़ी हुई है वो अच्छा होना है चाहिए बाकी तो ठीक है नमस्ते uh, सर